हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि यहां पे एक ऐसा फोन हम अनबॉक्स कर रहे हैं जो कि बहुत दिनों से हम जिसका वेट कर रहे थे इंडिया में, और फाइनली ये फोन लॉन्च हो चुका है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नोकिया X6 की, जो कि इंडिया में लॉन्च हो गया है। हमारे पास इस फोन का बॉक्स है और फिलहाल जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं तो मुझे इसकी प्राइस नहीं पता है, लेकिन हमें भेजा गया है 64GB स्टोरेज वाला 4GB रैम वाला वेरिएंट, और इसकी जो MRP है बॉक्स पे जो लिखी हुई है 17,600, जो कि अच्छी खासी हाई है। लेकिन कमाल की बात यह है कि नोकिया X6 यहाँ पे लॉन्च हुआ है एंड्रॉइड वन फोन के हिसाब से, यानी कि ये फोन कम्पीट करेगा किस फोन के साथ? Mi A2 के साथ। अब खोलते हैं इसका बॉक्स। तो बॉक्स यहाँ पे खोलने के लिए सिर्फ एक छोटी सी सील काटनी है। बॉक्स बहुत ही सिंपल होते हैं नोकिया के, शुरू से ही मैं कह सकता हूँ पिछले 3-4 साल से पैकेजिंग चेंज ही नहीं हुई है। तो यहाँ पे बॉक्स को खोल लेते हैं, कुछ इस तरह से स्लाइड होके बाहर आ जाता है, और यहाँ पे है हमारे पास नोकिया X6। अच्छी बात यह है कि ये फ़ोन हाथ में लेते ही बहुत अच्छा फील होता है। बिल्ड क्वालिटी में नोकिया बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि एक ट्रस्टेबल ब्रांड है, और हमेशा से हमने देखा है कि नोकिया के बड़ा तेज टेप लगाया है यार। दम लगाकर आयशा, जोर लगाकर आयशा। चलो हटा दिया। तो ये है यहाँ पे नोकिया 6 ब्लैक कलर में ये डिवाइस, और बाकी कलर्स में मिलेगा नहीं मिलेगा फिलहाल उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये कलर डेफिनेटली शानदार लग रहा है। पीछे की तरफ ग्लास, आगे की तरफ ग्लास, और साथ साथ नॉच वाला डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, डुअल कैमरा भी है, और क्या ही चाहिए मतलब आपको लाइफ से। और USB-C पोर्ट भी दे दिया है, लाउड स्पीकर तो है ही। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये फ़ोन आता है और डेफिनेटली ये फ़ोन अच्छा दिखता है। बाकी देखते हैं, एक और बॉक्स निकला है बॉक्स के अंदर। तो इस वाले बॉक्स के अंदर यहाँ पे मिलता है चार्जर, जो कि एक 2 एम्पीयर का चार्जर है, ये फास्ट चार्जर नहीं है। जी हाँ, फास्ट चार्जर नहीं मिल रही है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे USB-C केबल मिल रही है, अच्छी बात है। और बेसिक से ईयरफोन्स मिल रहे हैं जो कि प्लास्टिक के हैं। अगेन इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इस तरह के ईयरफोन जब आप कान में लगाते हैं तो थोड़े समय बाद ही आपके कानों में बहुत तेज दर्द होता है, और ऐसे में उस दर्द से अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो इनको फेंक दो। अनबॉक्सिंग हो चुकी है, अब हम डिवाइस को सेटअप करेंगे और फिर वापस आएंगे आपके पास। तो चलिए शुरुआत करते हैं नोकिया X6 के रिव्यू का। और नोकिया X6 इंडिया में लॉन्च हो चुका है। सबसे पहले बात करेंगे डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। डिजाइन बिल्ड क्वालिटी में फोन बिल्कुल बढ़िया है, टॉप नॉच का है, और डेफिनेटली लुक एंड फील में भी ये काफी अट्रैक्टिव है। बिल्ड क्वालिटी में अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पीछे की तरफ कॉर्निंग ग्लास, आगे की तरफ कॉर्निंग ग्लास, और ओवरऑल देखा जाए तो फोन की लुक एंड फील भी काफी अट्रैक्टिव है। वन हैंडेड यूसेज के हिसाब से ये फोन आराम से आप एक हाथ से यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल डिजाइन बिल्ड क्वालिटी के लिए मैं बिल्कुल थम्स अप दूंगा यहाँ पे नोकिया को। अब बात करते हैं डिस्प्ले की क्लैरिटी के बारे में। 5.8 इंच का डिस्प्ले भी मिल जाता है, और डिस्प्ले के अंदर रेजोल्यूशन भी FHD+ मिल जाता है। तो डिस्प्ले की क्लैरिटी यहाँ पे अच्छी है क्योंकि रेजोल्यूशन काफी हाई है। आउटडोर में भी इंडोर में भी आप आराम से डिस्प्ले को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफी बढ़िया है फोन में, डेफिनेटली ये फोन बिल्कुल टॉप नॉच वाली चीजें आपको दे देता है। अब बात करते हैं UI की, यानी कि सॉफ्टवेयर इंटरफेस। सॉफ्टवेयर इंटरफेस यहाँ पे एंड्रॉइड वन होने की वजह से काफी स्नैपी है, स्मूथ है, मल्टीटास्किंग में भी काफी स्मूथ ये फोन चल जाता है, और डे टू डे यूसेज में आपको दिक्कत नहीं आती है। एंड्रॉइड का प्योर एक्सपीरियंस मिल रहा है, और HMD केयर ऐप के अलावा कोई भी और ब्लॉटवेयर इस फोन में आपको नहीं मिलता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में ये फोन मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है। हम लोगों ने जो टेस्टिंग की उसके अंदर हमने ये देखा है कि जब हैवी गेम्स खेले जाते हैं, यानी कि PUBG वगैरह खेलते हैं या एस्पेल टाइम खेलते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है कि समय के साथ ये चीज फिक्स हो सकती है, और वो जब हो जाएगी तो आपको और बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाएगी इस फोन की। अब बात करते हैं कैमरा की। तो कैमरा के हिसाब से डुअल कैमरा यहाँ पे पीछे की तरफ मिल जाते हैं आपको। 16+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा कॉम्बिनेशन अच्छा है, फ्रंट कैमरा भी अच्छा मिल जाता है, और ओवरऑल देखा जाए तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा अच्छा है। कैमरा सैंपल्स की अगर मैं बात करूं तो आपको काफी कुछ चीजें जो है अच्छी देखने को मिल जाती है। मैं कुछ कैमरा सैंपल्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। पोर्ट्रेट मोड में ली गई फोटो है, इसमें अगर आप एजेस पे देखेंगे तो थोड़ी बहुत फोकसिंग के इश्यूज देखने को मिलेंगे, ओवरऑल फोटो अच्छी है। फ्रंट कैमरा यहाँ पे अच्छी सेल्फी ले लेता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप उसे जूम इन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्लैरिटी नहीं है उस सेल्फी के अंदर। यानी कि 16 मेगापिक्सल का कैमरा तो है, लेकिन अगर आप
इंडोर में फोटो लेते हैं तो डेफिनेटली आपको उतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, जबकि पोर्ट्रेट मोड अगर आप यूज करेंगे रियर कैमरा में तो कुछ इस तरह की क्लैरिटी मिलेगी आपको। और आप देख सकते हैं कि अच्छी क्लैरिटी के साथ यहाँ पे हल्की एक्शन फिगर कैप्चर हुई है, पीछे का ब्लर भी अच्छे से आया है, लेकिन सेल्फी कैमरा यहाँ पे थोड़ा सा मायूस करता है इस फोन में, और सेल्फी कैमरा की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती है। इवन डे लाइट में अगर हल्का सा भी फोन हिल गया तो सेल्फी कैमरा इतना अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी यहाँ पे है 3000 mAh की। ये बैटरी अगेन चार्जिंग के हिसाब से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ले लेती है चार्ज में, और एक दिन ही चलती है क्योंकि यहाँ पे बड़ी बैटरी नहीं है, फास्ट चार्जिंग भी नहीं है इस फोन में, जबकि USB-C पोर्ट है। फास्ट चार्जिंग यहाँ पे हो सकती थी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, और साथ ही साथ फास्ट चार्जर पैकेज के अंदर आपको नहीं मिलेगा नोकिया X6 के अंदर। हाइब्रिड सिम ट्रे मिलेगी आपको इस फोन में, यानी कि ड्यूअल सिम यूज कर सकते हैं, लेकिन उस केस में microSD मेमोरी कार्ड का बलिदान देना पड़ेगा आपको। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी फास्ट है और रिस्पॉन्सिव है, फटाफट फोन को अनलॉक कर देता है, लेकिन एक चीज जो कमी है यहाँ पे वो ये है कि फेस अनलॉक यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो फेस अनलॉक वाला फीचर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरह से था यहाँ पे हमारा नोकिया X6 का रिव्यू। ओवरऑल देखा जाए तो ये फोन लुक एंड फील में अच्छा है, ओवरऑल देखा जाए तो ये फोन बिल्ड क्वालिटी में अच्छा है, डिस्प्ले वाइज अच्छा है, परफॉर्मेंस में जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना अच्छा नहीं है। तो ऐसे में आप लोग बताइए कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, और क्या हम इस फोन को कंपेयर करें Redmi Note 5 Pro के साथ या फिर Mi A2 के साथ, किस फोन के साथ इसका कंपैरिजन वीडियो आप देखना चाहते हैं। और वो वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि वो वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। फिलहाल जो इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।